नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। दिल्ली के वर्ल्ड समिट में बोले पीएम, दुनिया में उथल पुथल के बीच भारत को बताया उम्मीद की किरण। गांदरबल दहशतगर्दाना हमले की चौतरफा मजम्मत, इंतजामिया ने मुतासरा की फैमिली की मदद का किया ऐलान। शिमला के संजोली मस्जिद का तनाजा हल, मस्जिद इंतजामिया ने मुतनाजा हिस्सा खुद गिराने का किया फैसला। दिल्ली में आलूदगी का पैमाना 200 की सतह से आगे बढ़ा, यमुना के पानी पर जहरीले झागों से इंतजामिया अलर्ट। और पीएम मोदी का दौरा रूस, मंगल से ब्रिक्स मुल्कों के सरबराह इजलास में करेंगे शिरकत। वो तो है ही दूसरी एआई है। दिल्ली में मुनाकिद वर्ल्ड समिट में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दुनिया में मची उथल पुथल के दौरान हिंदुस्तान को उम्मीद की एक किरण करार दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनौतियां हिंदुस्तान के सामने भी हैं, लेकिन एक सेंस ऑफ पॉजिटिविटी यहां है जिसे हम सब महसूस कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वक्त भारत गुलाम था, जिसके सबब उस इनकलाब का फायदा नहीं उठा पाया, लेकिन आज का दौर भारत का दौर है। निर्णय ले रहे भारत ने गुलामी का लंबा कालखंड देखा और हम पिछड़ते चले गए। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय भी भारत गुलाम था, गुलामी के कारण हम औद्योगिक क्रांतियों का फायदा नहीं उठा पाए। वो समय भारत के हाथ से निकल गया, लेकिन अब आज ये भारत का समय है। ये इंडस्ट्री 4.0 का दौर है। भारत अब गुलाम नहीं है, हमें आजाद हुए 75 साल हो गए हैं और इसलिए अब हम कमर कसकर तैयार है। इंडस्ट्री 4.0 के लिए जो स्किल सेट चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उस पर भारत बहुत तेजी से काम कर रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने अपनी तीसरी मुद्दते कार के 125 दिनों में अपनी सरकार के तरक्याती दावे भी पेश किए। 125 डेज में गरीबों के लिए 3 करोड़ नए पक्के घरों को मंजूरी मिली है। 125 डेज में हमने 9 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है। 125 डेज में हमने 15 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाई है। 8 नए एयरपोर्ट के काम शुभारंभ हुए हैं। इन्हीं 125 डेज में हमने युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। हमने किसानों के बैंक खातों में 21,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए हैं। हमने 70 साल से अधिक के बुजुर्गों के लिए 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था की है। आप भारत में हो रहे काम का दायरा देखिए। 125 डेज में 5 लाख घरों में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए गए हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 90 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, 125 डेज में हमने 12 नए इंडस्ट्रियल नोड्स को मंजूरी दी है। 125 डेज में हमारे सेंसेक्स और निफ्टी में 6 से 7% की ग्रोथ हुई है। हमारा फॉरेक्स 650 बिलियन डॉलर से बढ़कर 700 बिलियन डॉलर के पार कर चुका है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया का हाल और मुस्तकबिल एआई से जुड़ा है, लेकिन भारत के पास डबल एआई की ताकत है। दुनिया का वर्तमान और भविष्य एआई से जुड़ा हुआ है, लेकिन भारत के पास डबल एआई पावर की एडवांटेज है।
और आपके मन में सवाल होगा कि दुनिया पास एक ही एआई है, ये मोदी के पास डबल एआई कहां से आ गई? दुनिया की नजरों में एक ही एआई है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन हमारे पास वो तो है ही, दूसरी एआई है एस्पिरेशनल इंडिया। जब एस्पिरेशनल इंडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत मिलती है, तब विकास की गति भी तेज होनी स्वाभाविक है। साथियों, हमारे लिए एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि भारत के युवाओं के लिए अवसरों का एक नया द्वार है। इसी साल भारत ने इंडिया एआई मिशन शुरू किया है। हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, स्टार्टअप्स हो, भारत हर सेक्टर में एआई का उपयोग बढ़ा रहा है। हम दुनिया को भी बेहतर एआई सॉल्यूशंस देने में जुटे हैं। क्वाड के स्तर पर भी भारत ने कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं। भारत दूसरे एआई यानी एस्पिरेशनल इंडिया को लेकर भी उतना ही गंभीर है। भारत का मिडिल क्लास, भारत के सामान्य जन, उनकी ईज ऑफ लिविंग, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, भारत के छोटे उद्यमी, एमएसएमईज, भारत के युवा, भारत की महिलाएं, हम सबके एस्पिरेशंस को ध्यान में रखते हुए नीतियां बना रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं। साथियों, एस्पिरेशनल इंडिया का एक उदाहरण भारत में कनेक्टिविटी को लेकर हो रहा शानदार काम है। हमने फास्ट फिजिकल कनेक्टिविटी और इंक्लूसिव कनेक्टिविटी पर बहुत फोकस किया है। जम्मू कश्मीर में गांधरबल के गगनगीर में हुई दहशतगर्दाना वारदात की चौतरफा मजम्मत हो रही है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा ने वारदात को अफसोसनाक करार दिया है। वारदात में मारे गए शख्स की फैमिली की हर मुमकिन मदद की जाएगी। बाहर के लोग और कुछ स्थानीय जो उस जेडमोर टनल पर काम कर रहे थे, उनकी दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई है। कल मौके वारदात पर डीजीपी और जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर अफसरान गए थे। मैं खुद भी आज इस किम्स में घायल लोगों को देख के आया हूं और अभी एक मृतक परिवार से व्यक्तिगत रूप से मिला। सुरक्षा बलों को पूरी आजादी दी गई और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही जिन लोगों ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अंजाम दिया है, केवल उसकी निंदा नहीं बल्कि उनको उनके मुकाम तक पहुंचाया जाए, ये जरूर जम्मू कश्मीर पुलिस करेगी। सर, पिछली बार बड़ा एक्शन दिया था सर पुलिस ने, जब टारगेटेड किलिंग पिछली बार शुरू हुई थी, इस बार किस तरीके से पुलिस को आपने कहा है काम करने के लिए? उससे भी तगड़ा एक्शन जम्मू कश्मीर पुलिस करेगी। उनके परिजनों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से उनके साथ है। जिस कंपनी का काम चल रहा था, उस कंपनी ने भी 15 लाख रूपये की आर्थिक मदद दी है। एसआरई में भी 6 लाख रूपये हर परिजन को दिया जा रहा है और भी एसआरओ 43 में जो जम्मू कश्मीर के निवासी हैं उनके लिए नौकरी का प्रबंध कैसे होगा, ये जल्द देखा जाएगा। लगता है चुनावों में जिस तरीके से मुक्की खाई है पाकिस्तान ने, उसी की बौखलाहट जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। स्वाभाविक रूप से पड़ोसी के पेट में दर्द ज्यादा है, इस तरह कोशिशें करेगा लेकिन उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अब बड़े अफसोस की बात है कि गगनगीर में कल रात को ये हमला हुआ जिसमें कई सारे कीमती जानें छीनी गईं और कुछ लोग जख्मी भी हुए। इस हमले की जितनी निंदा की जाए, जितना इसके खिलाफ बोला जाए कम है। बेगुनाहों के खिलाफ इस तरह तशद्दुद का इस्तेमाल, ये कहां से जायज़ है और इससे हासिल क्या होगा? पिछले 35 साल से तो हम ये देखते आए हैं लेकिन जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं बदला। जो जम्मू कश्मीर के लिए मिलेगा वो पुरमन एक माहौल में मिलेगा और जाहिर सी बात है
इस हमले के पीछे वजह यह है कि वो दिखाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात अभी पूरी तरह से साजगार नहीं हैं। अब इंतज़ामिया को, खासकर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को और ज़्यादा जो है अपना जो अलर्ट लेवल जो है उसको मेंटेन करना होगा और ये देखना होगा कि इस तरह के हमले ना हों। गांधरबल के गगनगीर में हुए दहशतगर्दाना वारदात पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने इस वारदात के लिए पाकिस्तान के हुक्मरानों से कहा है कि अगर वे सच में हिंदुस्तान के साथ दोस्ती चाहते हैं तो ये सब बंद करें। कई गरीब मजदूर जो अपनी कमाई के लिए यहाँ आते हैं और फिर खानदान के लिए भी कुछ पैसा भेजते हैं, उन बेचारों को इन दरिंदों ने कल शहीद कर दिया। उसके साथ साथ हमारे एक डॉक्टर साहब भी थे जो लोगों की खिदमत करते हैं, कल वो भी अपनी जान खो बैठे। अब बताइए मुझे, इन दरिंदों को मिलेगा क्या? क्या वो समझते हैं इससे यहाँ पाकिस्तान बनेगा? आज कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहाँ से और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला ख़त्म हो और हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग मुश्किलों से निकल सकें। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हमें मेहरबानी करके इज्जत से रहने दीजिए, तरक्की करने दीजिए। तब तक आप ये हम लोगों को मुसीबत में डालते रहेंगे। 47 से आपने शुरू किया, कबाली भेजे, बेगुनाहों को मरवाया, क्या पाकिस्तान बना? जब ये 75 साल में पाकिस्तान नहीं बना, आज कैसे बनेगा? अल्लाह के वास्ते अपने मुल्क की तरफ देखिए, उसी तरक्की को कीजिए और हम लोगों को अपने खुदा के पास छोड़ दीजिए। हम अपनी तकदीर बनाना चाहते हैं, हम इन मुसीबतों से निकलना चाहते हैं, हम यहाँ की गरीबी को दूर करना चाहते हैं, बेकारी को दूर करना चाहते हैं। इस आतंकवाद से ये नहीं बनेगा। आपको लगता है कि जो कल का अटैक है उसका इम्पैक्ट टूरिज्म भी पड़ सकता है? देखिए, वो हम सब पे पड़ेगा, टूरिज्म से छोड़ दीजिए, हम लोगों पे पड़ेगा, हम गरीबों पे पड़ेगा। हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे अगर यही चलता रहा है? वक्त आ गया कि इनको बंद करना चाहिए ये, नहीं तो जो इसके असरात बाद में होंगे वो बहुत सख्त होंगे, फिर कुछ नहीं रहेगा। तो आपको लगता है कि इंडिया को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए, मैं नहीं जानता इंडिया को क्या कार्रवाई करनी चाहिए, वो तो मरकज खुद जानता है, यह मरकज का मामला है। लेकिन एक सेटबैक है, मगर हम लोगों को सबको मुसीबत है। हम लोग कई सालों से ये देख रहे हैं, 30 साल से तो मैं देख रहा हूँ। मैं बार बार उनसे कहता था, मत करो ये, इसे कोई आगे नहीं चलेंगे हम। मैं पता नहीं उनकी अकल कैसी है, क्या हो गया उनको। बात चल रही थी कि आपस में बातचीत होनी चाहिए। बातचीत कैसे होगी? आप हमारे बेगुनाहों को मार डालें और फिर कहें बातचीत करो? गंदरबल के दहशतगर्दाना वारदात पर मरकजी वजीर चिराग पासवान ने भी तशवीश का इजहार किया है। हालांकि जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद वहां का लॉ एंड ऑर्डर रियासती सरकार के बजाय एलजी के पास है, लेकिन चिराग पासवान इस वारदात को नई रियासती सरकार की तश्कील से जोड़कर बात कर रहे हैं। अब ये उसका रिएक्शन है नहीं है, पर जिस तरीके से ये हमला हुआ है ये चिंता की बात जरूर है। केंद्र सरकार की भी नजर इसके ऊपर है, पर जिस तरीके से नई सरकार के गठन के तुरंत बाद इस तरीके की घटनाएं वापस से शुरू हुई हैं, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। मुझे लगता है राज्य सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि इन बातों को गंभीरता से लेते हुए इस बात को सुनिश्चित करे। एक लंबे समय तक जब केंद्र के शासन में वहां पर कार्य को देखा जा रहा था, इस तरीके की घटनाओं में पूरी तरीके से रोक लग गई,
और पुनः अगर ऐसे हमले हो रहे हैं, ऐसी घटनाएं घट रही हैं, तो ये चिंता की बात है और राज्य सरकार को भी गंभीरता से इसको देखने की जरूरत है। गांदरबल की वारदात पर जम्मू कश्मीर के नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन हालात सुधरेंगे। देखिए, मैं जहां तक ताल्लुक है इस हादसे की, इसको जितने भी कड़े लफ्जों में इसको कंडेम किया जाए वो कम है, और जो जाने गई हैं उनके लिए हमें बड़ा अफसोस है, और मैं जो परिवार जिन्होंने ये अपने लोग खोए हैं उनको मैं भगवान से यही दुआ करूं कि भगवान उनको हिम्मत दे, शक्ति दे, ताकि वो इस हौसले, इस हादसे को बर्दाश्त करें, जो सदमा इनको लगा है इसको बर्दाश्त कर सकें। बाकी यह है कि जहां तक ताल्लुक है, हालात तो सुधारने पड़ेंगे और सुधरेंगे और टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन जहां तक ताल्लुक है कि जिन लोगों ने ये किया है उनके लिए एलजी साहब ने भी कहा है, ऑनरेबल सीएम साहब ने भी कह दिया है, तो लिहाजा मैं तो आज के डेट में यही कहूंगा कि हमें बड़ा दुख है और बड़ा अफसोस है इस हादसे के लिए। थैंक यू। रिपोर्ट है सर अभी? देखिए, अभी जहां तक मैं जम्मू आया था, लेकिन मेरा क्योंकि ऑफिशियल मैंने किसी से बात की नहीं अभी, तो लेकिन है कि जो हुआ है गलत हुआ है और हमें बहुत अफसोस है। थैंक यू। जल्दी इनको मार गिराया जाएगा? मैंने कहा ना कि अलजी साहब ने भी कह दिया, ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब ने भी अपने बयान दे दिए हैं, तो लिहाजा डीजी जम्मू कश्मीर यूटी के जो हैं वो इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। अब देखिए, अब मैं कश्मीर जा रहा हूं तो हम उसका जो भी है लेंगे, उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सर, शांति से इलेक्शन हुए, लगता है कि कोई उसको बिगाड़ने की कोशिश है जो पाकिस्तान? मैंने कहा ना आपको, मैंने कहा कि जहां तक ताल्लुक है कि ये अब इलेक्शन से पहले बाद नहीं हुआ, इलेक्शन से पहले भी ये हादसे होते रहे हैं, तो लिहाजा जो हो रहा है गलत हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए, सरकार नहीं चाहेगी, क्योंकि हम चुने हुए लोगों के नुमाइंदे हैं और हम भी नहीं चाहेंगे और सरकार भी नहीं चाहेगी और लोग भी नहीं चाहेंगे कि हमारे में से कोई आदमी अगर वो किसी परिवार से गया तो हमारे पर, वो भी हमारे सरकार का परिवार का हिस्से हैं जिन लोगों के घरों में ये नुकसान हुआ है, ये हादसे हुए हैं, तो लिहाजा हमें खुद। शिमला की संजौली मस्जिद के मुतनाज़े हिस्से को मस्जिद इंतजामिया ने खुद ही हटा देने का वादा किया है। इस पर हिमाचल प्रदेश सरकार के वजीर विक्रमादित्य सिंह ने मस्जिद इंतजामिया के फैसले का खैर मकदम किया है। मैं तो पहले तो जो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है उसका वेलकम करता हूं, जो उन्होंने वॉलंटरीली तरीके से अवैध जो भवन है और उसके जो अवैध पोर्शंस है, जो 3 फ्लोर है, उसको डिमोलिश करने का जो फैसला है उसको अमली जमा आज से पहनाना शुरू किया है। मामला क्योंकि कोर्ट में है, म्यूनसिपल कमिश्नर के कोर्ट में है, तो वहाँ पे वो इसकी अर्जी डाले कि हमको इसमें एक्सपेंशन ऑफ समय चाहिए, तो वहाँ पे इसका फैसला लिया जाएगा। मगर मेरा इसमें कुछ कहना मुझे लगता है वो ठीक नहीं रहेगा। बाकी मेरा तो यही अपील है प्रदेश के लोगों से कि अच्छा माहौल बनाए रखें, इस तरीके की कोई भी परिस्थिति ना हो जिससे भाईचारा आपस में ख़राब हो। प्रदेश को हमें आगे लेकर जाना है और प्रदेश के 70 लाख लोगों के हितों की रक्षा हमको करनी है, वो चाहे किसी भी क्षेत्र से है, किसी भी जाति से है, किसी भी धर्म से है, हमने सब लोगों के हितों को देखना है और उनकी पैरवी करनी है। अभी हम एक संवैधानिक ढांचे में हैं, लोकतंत्र में हैं, जहाँ पे कोर्ट्स की अपनी गरिमा है, अपना एक रोल है, और अगर किसी फैसले को कोई भी संगठन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपील में हायर कोर्ट में जाना चाहती है, वो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, तो उस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। संजौली मस्जिद के तनाजे को तो मस्जिद इंतजामिया के कदम ने खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन इस बहाने नफरत का जो जहर फैलाया गया वो अपना असर दिखा रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जो शिमला की बताई जा रही है, उसमें कुछ लोग एक मुस्लिम फेरी वाले की सरेआम लंचिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों, संजीव कुमार, विशाल, आदर्श, हरिकृष्ण और हरीश शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज की है। बदतमीजी करके भाग रहा है नीचे से, तेरे को जब तेरे को भेज जाए नीचे से, तू यहाँ क्यों आया? चल बाइक लगा, चल बाइक लगा, आधार कार्ड मुर्गा मन तेरे को बोला ले आओ मेरी तलवार का डिजरा पैन, इसको काटी देते हैं आज।
कट मेरी तलवार साढ़ी तलवार ले यार तू चल पहला मुर्गा बन मुर्गा बन आधार कार्ड मुर्गा बन तेरे को आधार की तेरी मां की हम देखते आधार कार्ड तू मुर्गा बन मुर्गा बन तो तलवार कट जो काटते इसको ढंग से बन कान कैसे पकड़ते हैं तेरे को जब गांव से भगाया क्यों मारा मुर्गा बन ढंग से सब काटना मैंने अभी तेरे को जब नीचे से भेजा क्यों आया मुर्गा बन जब तेरे को बोला जब एक बार भगा दिया गांव से गांव से नीचे से भेजा तू यहाँ दूसरे गांव में आ गया यार सर कोई बात नहीं सर आगे नहीं आऊंगा सर हैं बिल्कुल मना रहा तू बंद होगा आगे नहीं आऊंगा सर कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश के जिमनी इलेक्शन के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इत्तेहाद पर बातचीत अभी किसी हतमी फैसले पर नहीं पहुंच सकी है। एसपी के सदर अखिलेश यादव ने उम्मीद जाहिर की है कि जल्द बातचीत मुकम्मल हो जाएगी। इस बार भी ऐतिहासिक परिणाम करहल की विधानसभा से आने जा रहा है। सर महाराष्ट्र भी अभी आप गए थे वहां पे भी चुनाव होने वाले हैं, क्या कुछ तैयारी समाजवादी पार्टी की इंडिया अलायंस को लेकर? कई बार सवाल ये खड़े होते हैं और ये महसूस किया समाजवादी पार्टी ने कि उन्हीं सीटों पर दावा करेंगे जिन सीटों पर संगठन है, जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी के पास प्रत्याशी है, इसीलिए प्रत्याशियों की ताकत देखने के लिए और प्रत्याशियों ने कितना जनता के बीच में काम किया है कम से कम वो जानकारी हम लोगों को हो और उसी के आधार पर हम लोग अपने पक्ष में टिकट मांग सकें। कितनी कुछ लगभग अंदाजा? हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने जो संगठन और जो प्रत्याशी तय किए हैं वो 12 सीटों पर किए हैं। हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी को वहां पर सीटें मिलेंगी और हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जो 9 सीटों पे उपचुनाव होने वाला है उसमें कांग्रेस के साथ अभी किस तरह का गठबंधन, क्योंकि वो 5 सीट की शुरुआत में बात कर रहे थे अभी, लेकिन क्या बात हो रही है? लगातार बातचीत हो रही है, हो जाएगी, बातचीत करेंगे। यूपी के करहल सीट से एसपी के उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने अपना पर्चा दाखिल किया है। इस मौके पर उन्होंने दावा किया कि ये सीट वो बड़े मार्जिन से जीतने वाले हैं। नामांकन करने जा रहे हैं, कितनी जीत सुनिश्चित मान रहे हैं? देखिए समाजवादी पार्टी जिस मजबूती में यहाँ पर है अभी तक भाजपा को कैंडिडेट नहीं मिला और जनता ने मन बना दिया, जो रुझान निकल के आ रहे हैं, जनता का जो मूड है वो समाजवादी पार्टी के साथ आती है, राजशेखर जी के साथ में और परिवर्तन के साथ समाजवादी पार्टी सीटें जीती। करहल वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ कहेंगे? करहल से हम लोगों का लगाव कई पीढ़ियों का है, यहाँ के लोगों से कई लगाव जुड़ाव रहा और मुझे फिर से उनका सेवा करने का मौका मिले, उनका समर्थन आशीर्वाद प्राप्त हो यही मिले। भाजपा लगातार पूरी दमखम से लगी हुई है, कैसे देख रहे हैं आप? ये दमखम केवल शासन प्रशासन का है, जनता में कोई भाजपा का दमखम नहीं, लोग उनकी मीटिंग में नहीं जा रहे, वोट मांगने जा नहीं पा रहे, कोई ऐसा मुद्दा एजेंडा नहीं है इसको लेकर जनता के बीच में आ सकती। चलो और करहल का पूरा आशीर्वाद समाजवादी पार्टी के साथ। समाजवादी पार्टी के एमपी डिंपल यादव ने भी करहल सीट पर अपने उम्मीदवार की बड़ी जीत मिलने की उम्मीद जाहिर की है। लोकसभा के पूरा विश्वास है कि करहल से समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से अपनी जीत तय करेगी। प्रदेश में 9 सीटों पर चुनाव है, कैसे देख रही हैं आप? सभी संगठन और कार्यकर्ताओं के जो पूरी तरह से तैयार है और मैं समझती हूँ जिस तरह के लोकसभा के परिणाम रहे हैं कहीं ना कहीं मेरा यह मानना है कि बहुत ही बेहतर परिणाम आएंगे। प्रदेश में क्या इस बार एजेंडा रहने वाला समाजवादी पार्टी का चुनाव के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? स्ट्रेटेजी जो पहले थी वही स्ट्रेटेजी। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के लिए कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी का महाविकास अघाड़ी इत्तेहाद 22 मार्च के अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी करेगा। महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले ने मीडिया के सामने ये ऐलान करते हुए कहा कि महाविकास अघाड़ी से ज्यादा महायुक्ति में खींचातान है। देखो हमने 96 सीटों पे अभी डिस्कशन किया है और हम लोगों ने निर्णय ले लिया है कि जो हमारी जगह है अभी भी डिस्कशन में है उस पर हमने कोई चर्चा नहीं की है और कल हम लोग दिल्ली बम्बई जाकर वहां पर हम लोग शरद पवार जी हो, उद्धव जी से हो, इनसे बात करेंगे, जो कुछ 30-40 जगह का हमारा शेयरिंग प्रॉब्लम हो गया है उसमें बैठ कर हम लोग रास्ता निकालेंगे, ये भूमिका कांग्रेस पार्टी की है। जो खबर आ रही है ये किसने दी है, बीजेपी ने या कांग्रेस के नेता? संजय राउत। अरे भाजपा अपने डर के वजह से इस तरह की कहानी बना रही है, जैसे संजय राउत ने भी कहा कि ये पतंगबाजी करने का काम जो बीजेपी कर रही है बराबर है, वास्तविकता है। कुछ अल्पसंख्यक वोट शेयर वाली सीटों पर उद्धव
ठाकरे क्लेम कर रहे हैं जहाँ पे नेतृत्व कांग्रेस का चल रहा है, उस पर किस तरीके का मुद्दा आपका बनेगा? वही है तो जो सीटों का है तो हर ही सब पार्टी उस तरह का कुछ तो भी कोशिश करेंगी, लेकिन जो पार्टी का अधिकार बनता है वही पार्टी वो सीट लड़ेगी। थैंक यू। दिल्ली में आलूदगी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। AQI 200 के पार जाने से लोगों को सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही है। यमुना के पानी पर जहरीले झागों ने भी इंतजामिया को चौंका दिया है। यमुना के पानी की सतह पर मौजूद ये जहरीले झाग कालंदी कुंज इलाके में 21 अक्टूबर की सुबह देखे गए हैं, जो ड्रोन कैमरे की मदद से ली गई वीडियो में साफ देखे जा सकते हैं। इंतजामिया इनके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली के रोहिणी में हुए ब्लास्ट की जगह से सीसीटीवी फुटेज में एक मशकूक शख्स को सफ़ेद टी शर्ट पहने हुए मौके पर देखा गया है। उसकी ये मूवमेंट धमाके से एक रात पहले देखी गई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक धमाका खेज मादा पॉलीथीन बैग में लपेट कर आधे से एक फुट गहरे गड्ढे में रखा गया था, जिसे बाद में कूड़े से ढक दिया गया था। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने मंगल को शुरू होने वाले वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दौरे रूस की तफसीलात जारी कर दी हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि पीएम मोदी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की दावत पर 16वें ब्रिक्स इजलास में शिरकत के लिए मंगल को रवाना हो रहे हैं। The main day of the summit is on the 23rd of October and there are two main sessions, a closed plenary in the morning followed by an open plenary in the afternoon devoted to the main theme of the summit. The leaders are also expected to adopt the Kazan Declaration, which will lay the path forward for BRICS. This document is presently being negotiated in Kazan. The BRICS summit ends on the 24th of October. However, the Prime Minister, on account of pressing commitments back home, will return to New Delhi on the 23rd of October itself. But on the 24th, the summit will conclude with the BRICS Plus or the outreach session, where a number of countries have been invited by the chair. This session is focused on BRICS and the Global South, building a better world together. And it will have participation by the BRICS leaders who are there and these invited countries. I believe that about 28 heads of state and government and 5 international organizations will be participating in the outreach summit. The Indian delegation for the outreach summit will be led by Dr. S. Jayashankar, the External Affairs Minister. On the sidelines of the summit, the Prime Minister is expected to have a few bilateral meetings. These are presently being worked out and we will keep you updated on these meetings as they evolve. Just a special word about the city where the summit is being held. Kazan is the capital of the Republic of Tatarstan in Russia. It's the fifth largest city in Russia and a major cultural and educational center. We have around 1,000 Indian students in Kazan. And some of you may recall that during the visit of the Prime Minister to Russia in July. दिल्ली के वर्ल्ड समिट में बोले पीएम, दुनिया में उथल पुथल के बीच भारत को बताया उम्मीद की किरण। गांदरबल दहशतगर्दाना हमले की चौतरफा मजम्मत, इंतजामिया ने मुतासरा की फैमिली की मदद का किया ऐलान। शिमला की संजोली मस्जिद का तनाजा हल, मस्जिद इंतजामिया ने मुतनाजा हिस्सा खुद गिराने का किया फैसला। दिल्ली में आलूदगी का पैमाना 200 की सतह से आगे बढ़ा, यमुना के पानी पर जहरीले झागों से इंतजामिया अलर्ट। और पीएम मोदी का दौरा रूस मंगल से, ब्रिक्स मुल्कों के सरबराह इजलास में करेंगे शिरकत। तो नाज़रीन आज के खबरनामे में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलम सहारा। सहारा पढ़ो। We'll be right back.